लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है, माध्यम दिया है। साथियों, स्वच्छता का अभियान एक सफर है जो निरंतर चलता रहेगा। ये कोई एक दिन का, एक साल का, एक समय का नहीं, ये जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला काम है। खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ओडीएफ के बाद अब ओडीएफ प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें शहर हो या गांव, कचरे का मैनेजमेंट को बेहतर बनाना ही है। हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। इस संकल्प के लिए आज भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से बेहतर दिन और कौन हो सकता है। साथियों, देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयां भारत छोड़े, इससे अच्छा और क्या होगा। इसी सोच के साथ बीते 6 साल से देश में एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चल रहा है। गरीबी भारत छोड़ो, खुले में शौच से मजबूरी भारत छोड़ो, पानी के दर दर भटकने की मजबूरी भारत छोड़ो, सिंगल यूज प्लास्टिक भारत छोड़ो, भेदभाव की प्रवृत्ति भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार की कुरीति भारत छोड़ो, आतंक और हिंसा भारत छोड़ो। साथियों, भारत छोड़ो के ये सभी संकल्प स्वराज से सुराज की भावना के अनुरूप ही है। इसी कड़ी में आज हम सभी को गंदगी भारत छोड़ो का भी संकल्प दोहराना है। आइए, आज से 15 अगस्त तक यानी स्वतंत्रता दिवस तक देश में एक सप्ताह लंबा अभियान चलाएं। स्वराज के सम्मान का सप्ताह यानी गंदगी भारत छोड़ो सप्ताह।